राम राज्य की बात करते हैं, हमें राम से कोई गुरेज नहीं, हमें सीता से कोई गुरेज नहीं, हमें कीर्तन से भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस आराध्य को हम मानते हैं उन्हीं की बदौलत राम का परिवार बचा है, राम की पीढ़ी बची है, नहीं तो उसका नाम लेने वाला भी धरती पर पैदा नहीं होता। ये मैं बता देना चाहता हूं आपको। और जब जब शोषित पीढ़ी वंचितों पर अत्याचार हुआ है, जब जब भीमा कोरेगांव भी हुआ है, हम वो भी नहीं भूले हैं। यही समाज, यही समाज के लोग थे। सम्मानित साथियों, बड़े दुखद विषय के साथ और दुखद घटना पर हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, जो निसंदेह बड़ी शर्मनाक बात है। जो एक बेटी के साथ इस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, यह निसंदेह किसी एक समाज का नहीं, पूरे भारत देश का अपमान हुआ है। और पूरे भारत देश को इस चीज को संज्ञान में लेकर और अपराधियों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करवानी चाहिए और करनी भी चाहिए। किसी भी समाज के लिए अगर हम ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज की बेटी है, नहीं, वो वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं, वो भारत की बेटी है। और भारत की किसी भी बेटी में इस तरह का अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अपनी तरफ तक क्या कहती है, क्या नहीं कहती, लेकिन इन लोगों ने दबे कुचले शोषित समाजों को अपंग बनाकर रख दिया। अभी हाथरस का कांड नहीं बोले, उन्नाव का कांड नहीं बोले, नेमाधर्म महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश की घटना नहीं भूले, हम खुर्जा इटा की घटना नहीं भूले, अब ये दिल्ली की घटना हमारे सामने आ गई। साथियों, ये समाज बड़ा संयमशील समाज है, बड़ा संयम रखता है और संवैधानिक दायरे में रहता है, लेकिन जैसे ही ये मनुवादी सरकार सत्ता में आई है और एनसीआरबी का क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, केंद्र में आई है, प्रदेशों में आई है, वहां पर दलित शोषित वंचित लोगों पर अत्याचार और बढ़ता जा रहा, 20-25% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो साथियों, हमें समझना पड़ेगा, हमारे साथी जो भी मंच को संचालित कर रहे हैं, आंदोलन को लीड कर रहे हैं, भाई बिरजू पहलवान जी, भाई संदीप वाल्मीकि जी, भाई मोहर सिंह साहब और जितने भी साथी दूर दराज से हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करूंगा, अभिवादन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस मूवमेंट को किसी कीमत पर भी रोका ना जाए और जब तक इसको चालू रखा जाए, जब तक दोषियों को फांसी की सजा ना हो और तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, हमें राम से कोई गुरेज नहीं, हमें सीता से कोई गुरेज नहीं, हमें कृष्ण से भी कोई गुरेज नहीं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जिस आराध्य को हम मानते हैं उन्हीं की बदौलत राम का परिवार बचा है, राम की पीढ़ी बची है, नहीं तो उसका नाम लेने वाला भी धरती पर पैदा नहीं होता। ये मैं बता देना चाहता हूं आपको। और जब जब शोषित पीढ़ी वंचितों पर अत्याचार हुआ है, जब जब भीमा कोरेगांव भी हुआ है, हम वो भी नहीं भूले हैं। यही समाज, यही समाज के लोग थे जिन्होंने भीमा कोरेगांव कर दिया था। आज हम ये बता देना चाहते हैं सरकार और प्रशासन को कि अगर हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है और उसका पुरजोर तरीके से न्याय नहीं मिला, तो हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि मजबूती के साथ हमारे जब जब अत्याचार हम लोगों पर हुआ है, तो हमारे शूरवीरों ने तलवार से देश का भूगोल बदल दिया था, और जब जब वो अपनी नीति विद्वता पाए तो उन्होंने कलम से इतिहास भी लिख दिया था। इन्हीं बातों को मैं अपने समाज को, अपने देशवासियों को, दिल्ली प्रदेश के समस्त समाज के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए और आगे से किसी समाज की बेटी के साथ इस तरह ना हो, इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह का हमें प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह का आंदोलन हमें करना चाहिए। तो साथियों, मैं इन्हीं सब बातों के साथ और आपको अपने गाजियाबाद की तरफ से यह आश्वस्त करूंगा कि गाजियाबाद की टीम, गाजियाबाद का समाज, गाजियाबाद का सहारा समाज
पीड़ितों के साथ है, वंचित के साथ है और इसके लिए न्याय दिलाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।